बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये मैंने ना, जब मैं सुबह आ रही थी तो मैंने अपनी वार्डरोब जब निकाली तो मैंने सोचा आज मैं ये पहनूंगी, लेकिन मुझे स्क्रीन पर आकर रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत ब्राइट कलर पहने और मैंने 2-3 दफ़ा क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन ब्राइट कलर्स देखने से आपका मूड अच्छा होता है। ये मैंने अभी अभी इस बात पे लॉजिक बनाई है और मैंने इसी लॉजिक के तहत ये ब्राइट कलर पहना है। सो, अगर आप मुझे जज करें, मैं बहुत तैयार होके बहुत ब्राइट कलर के साथ बैठी हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई जज ना करे। इट वॉज जस्ट अ रैंडम थाट कि मैं आज सुबह सुबह कुछ अच्छा वाइब्रेंट कलर पहनूंगी और वाइब्रेंट कलर से शायद मेरा मूड ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तक मेरी चाय नहीं आई और चाय मेरे लिए होना बड़ा ज़रूरी है। उससे मेरा मूड भी अच्छा रहता है और मेरे अंदर एनर्जी भी बहाल रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपको आपकी चाय मिल गई है, मुझे भी होपफुली मिल जाएगी चाय कुछ ही देर में और फिर मैं और मज़ीद एनर्जी के साथ आऊँगी। जनाब, आगे बढ़ते हुए आपको पता है मुल्क के अंदर जो पोलिटिकल जो कह लें ना ख़बरें आजकल बड़ी गर्मा गर्म चल रही हैं, जिस पे हमने देखा है कि पीटीआई ने जो जलसा किया था उसके बाद से जो गिरफ्तारियों का अमल आया, उसके बाद 8 सितंबर के जलसे के हवाले से बात करें, सियासी माहौल में एक खासी गर्मी देखने में आई है। जलसे को दिए गए वक्त पर ना ख़त्म करने पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो गैर अखलाकी तकरीर है उसके बाइस भी अगर बात की जाए, तो ना सिर्फ पीटीआई को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है बल्कि अब इसके नतायज भी भुगतना पड़ रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस से जी पीटीआई की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, इस पर भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने एतराज़ किया कि पार्लियामेंट के अंदर से जो रहनुमाओं की गिरफ्तारी है, ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। जिस पर हमने कल देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी सख्त रद्दमल आया, उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल सलामत पुलिस को तलब करते हुए जो गिरफ्तार अराकीन हैं उनको पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म किया है। उस दूसरी जानिब जी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मैं आज से या एस्टेब्लिशमेंट समेत जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से कहा गया किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूं, अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं, जलसे में इनकी तकरीर पर माफिया मांगने वाले बुजदिल हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। दरवाजे बंद करने का बयान क्या बैकडोर जो हम मुतालबात कह रहे थे या राबते कह रहे थे उसके हवाले से ये दुरुस्त साबित कर रहा है, और किस हद तक ठीक है बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर की तकरीर को दुरुस्त कहना और उनके साथ खड़े होने के हवाले से कहना। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम सब 2 दिन से बात करते आ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है और जिसमें उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए हैं, तनकीद का निशाना बनाया गया है, जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ खवातीन को तनकीद का निशाना बनाया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर बानी पीटीआई का स्टांस किस हद तक दुरुस्त है, इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ उसामा गाजी मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और इसके साथ साथ तज्जिया कार भी हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है, सब खैरियत। आपसे आपका शुक्रिया अदा करेंगी एक बार फिर कि आपने हमें सुबह सुबह वक्त दिया। ये जो हम सियासत के अंदर उसामा गर्मा गर्मी देख रहे हैं, और मैं सबसे पहले तो इसी स्टेटमेंट पे आऊँगी, मैंने बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों को भी सुना, मुख्तलिफ तज्जियाकार को भी सुना, सब ने अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है उसको क्रिटिसाइज ही किया है कहीं ना कहीं, और जो जिस तरह से उन्होंने अपने जो कह लें जिस बात को एक्सप्रेस किया वो कुछ अच्छी लैंग्वेज या अच्छा तरीका नहीं था। क्या समझते हैं बानी पीटीआई ने ये जो इस बात पे अपना स्टांस दिया है कि जी मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनके बिहाफ पे जो माफ़ी मांग रहे हैं वो बुजदिल हैं, ये किस हद तक ठीक है? एक तो मिला देखें, इस वक्त बानी पीटीआई जेल में है और जेल में जिस तरह से वो हैं, जाहिर है कि कोई शख्स जेल में होता है तो उसकी ज़हनी कैफियत भी वो नहीं होती कि जो एक आज़ाद शख्स हो। फिर उसके बाद ये जो रिएक्शन है, इसमें असल में 22 अगस्त की जो बातें हुई थी उसमें बकौल उनके बानी पीटीआई है कि जो अश्योरेंसेस थी उन पर अमल नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। तो जब किसी शख्स को धोखा होता है तो फिर उसका रिएक्शन तो फिर इसी तरह से होता है, और उन्होंने ये कहा कि जी 8 सितंबर को हमें यकीन दिलाया गया था और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि आपको मुकम्मल आज़ादी होगी, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आप सिर्फ आज जलसा मुलतवी कर दें और उसके बदले में हम आपको 8 सितंबर को जलसा करने देंगे, ये हमारी इश्योरेंस है। तो गवर्नमेंट तो बीच में थी नहीं, तो उसके बाद उनका ये ख्याल था, उनको यकीन था कि अब हमें पहली दफा इस तरह से जलसा करने दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये कि इतने कंटेनर्स पहले कभी नहीं देखे गए,
अब 22 अगस्त को जलसा मुल्तवी करने की वजह भी हुकूमत भी खुद कहती है, वर्जन अलग है कि जी गंडापुर से रब्ता किया गया, उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ जी मुल्तवी करने की बात हुई थी। और उसके बाद फिर एनओसी देने के बाद भी आपने देखा रावलपिंडी इस्लामाबाद को जिस तरह बंद किया गया, तो गंडापुर साहब जब आ रहे थे वो लेट भी हो गए, उनको भी पता था क्या रिएक्शन होगा, फिर बार बार उनको बताया जा रहा था जी वक्त ऊपर हो गया है। तो मेरा ख्याल है वो जो कमिटमेंट को तोड़ना था, उसका जो प्रेशर था, फिर गंडापुर पर अपनी जमात का प्रेशर था कि आप एक फॉग की तरह जिस तरह आपको आना चाहिए आप उस तरह नहीं आ रहे, इमरान खान की रिहाई के लिए काम नहीं हो रहा, वो सारा प्रेशर था जिसकी वजह से वो तकलीफ हुई है। फिर कई दिन से इसका बिल्डअप हो रहा था, तो जाहिर है बानी पीटीआई जेल में होते हुए उन्होंने भी कुछ उनको कहा होगा कि आपने इन पॉइंट्स पर बात जरूर करनी है, तो उस वजह से उनकी मेरा ख्याल है जो तकरीर थी वो बहुत अग्रेसिव थी, उसमें बहुत ज्यादा तनकीद थी, बड़े सख्त अल्फाज थे। मगर मेरा अंदाजा ये है कि अब चीजों का तसलसल आप देखेंगे, यानी अब ये पीछे नहीं हटा जाएगा, अब इसी तरह की तकरीरें होंगी, इसी तरह अग्रेसिव स्टांस होगा, और अगर दूसरी तरफ से और अग्रेशन आपने देखा दिखाया गया है तो अब तहरीके इंसाफ में भी हॉक्स आगे आएंगे, और जो बीच में मामला तय करने के लोग थे कि नहीं टाइम दें देखते हैं करते हैं, वो लोग अब पीछे हटने चले जाएंगे। अच्छा उसामा भी आपने बात की कि ये बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए और वो हमें नजर आए उनकी तकरीर के अंदर, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी मामलात जो थे वो बड़े तरीके से आगे बढ़े थे, इनको पहले जलसा जितने मनसूख हुए उसके बाद इनको जलसे की इजाज़त मिली, एनओसी मिला, इनको फैसिलिटेट किया गया, तो शायद मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस तकरीर के बाद इस तरह के बयानात के बाद ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला वो इससे जो इनके जो के लिए इनको फैसिलिटेट करना या इनके लिए ईजी पाथ को करना जो सारा मामला या सर्कमस्टांसिस क्रिएट किए जा रहे थे वो डिस्टर्ब हुए हैं, डू यू अग्री विद दैट कि बैकलैश इसी वजह से आ रहा है इतना ज़्यादा? कुछ हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि इतनी सख्त तकरीरें ना होती, अगर तहरीक इंसाफ इतना सख्त स्टांस ना लेती तो शायद फिर इतनी सख्ती दूसरी तरफ से ना होती। लेकिन एक इससे पहले भी कौन सा उनके लिए कोई बड़ी आसानियां पैदा की जा रही थी, उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे थे, मुश्किल तो उस वक्त भी थी, जिस तरह मैंने किया कि कंटेनर आप देखें 10 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ने कंटेनर्स पर ही खर्च कर दिया, कुछ 470 कंटेनर्स लगाए, तो गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी कि उनको कोई बड़े आसानी से करने दिया जाए, एक होता है प्रवोक करना, तो वो एक नजर आ रहा था कि 11 किलोमीटर दूर जलसा कहा से वो फिर शेलिंग हो रही है, फिर मामला खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा देखा गया है कि जलसा टाइम पर खत्म ना करने पर भी मुकदमात हुए हैं, फिर अभी जो मुकदमात हुए हैं वो असले वगैरह के हुए हैं, तो नरमी कहीं नहीं थी। मुझे ये लगता है कि इसकी वजह एक तो वही कि 22 अगस्त को उनको डर था कि मजहबी जमातें भी बाहर थी और हालात और खतरनाक हो सकते थे, उनके लिए बड़ा मसला था कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इस्लामाबाद में लोग आए हुए हैं तो उनमें मजहबी जमातों के कौन से लोग हैं, तहरीक इंसाफ के कौन से लोग हैं, और पकड़ धकड़ में फिर मजहबी जमातों के हवाले से ही होना था कि गवर्नमेंट का उनसे भी टकराव हो जा रहा था जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। तहरीक इंसाफ का तो वो किसी तरह से बिल्कुल कोई सहूलत या कोई नरम गोशा वो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि सर्वाइवल इस पे है, तो ये उनको मजबूरन देना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ा सा कैथारसिस भी शायद लोगों का हो जाए, इतना हमने दबा दिया है, लोग इतनी दूर कहाँ आएंगे, ज्यादा आ भी नहीं सकेंगे, वो संगरानी में आज तक कोई जलसा वहां पर हुआ ही नहीं है, आप वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वहां इंतजाम करने बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग आने लग गए, इन्होंने इस्लामाबाद में बंद किया था कि यहाँ से कोई नहीं जा सकेगा, वहां से लोगों ने कंटेनर हटा दिए, तो जब आप लोग कहीं इतनी दूर से आए हैं, मुश्किल से गुजर कर आए हैं और उसके बाद उनको कंटेनर लगे नजर आए हैं, उन्होंने हटाने की कोशिश तो करनी है। और अगर अगर आप ये देखें तो ज्यादा लोगों को रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को शिकायत हुकूमत से हुई है, तो पहले भी इनके लिए सख्तियां थी और अब इसके बाद सख्तियां मुझे लगता है कि और बढ़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ से भी सख्ती होगी, और हम जो 2.25 साल से जो खेल चलता देख रहे हैं इसकी हम कंटिन्यूएशन ही देखेंगे आगे। और ये फिर उसामा एट द एंड ऑफ द डे केओस की तरफ ही जा रहे हैं मामला, हम जहाँ पे ही सोचते हैं कि सियासत के अंदर बेहतरी आएगी, मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी उससे हमारे दीगर मामला बेहतर होंगे, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कहीं ना कहीं कि एक तरफ से कोई ना कोई ऐसा एग्रेसिव स्टेप लिया जाता है। अच्छा जी ये जो पार्लियामेंट के अंदर सर गिरफ्तारियां हैं इस पे भी बड़ा तनकीद का सामना किया करना पड़ रहा है हुकूमत को कि जी ये क्यों मामला पार्लियामेंट के अंदर लाया गया, अगर गिरफ्तारियां होनी थी तो इस इदारे के अंदर से क्यों हुई, इस पे आप क्या कॉमेंट देंगे उसामा? आपने जो बात की ना बड़ा अच्छा जुमला है कि हुकूमत को करना पड़ रहा है, इस पर हुकूमत को तनकीद का सामना भी करना पड़ा है और हुकूमत को भी इस पर एक यानी कम से कम स्पीकर की हद तक रद्दअमल देना पड़ रहा है, वो देना तो नहीं चाहते, लेकिन हो ये गया है कि इनके होते हुए पहले ही बड़े दाग हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ था तो इनकी गवर्नमेंट थी,
आज पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि पार्लियामेंटेरियंस की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हो, तोड़ फोड़ करके कुछ दरवाजे तोड़कर उनको बाकायदा गिरफ्तार करके ले जाया जाए। पहले कहा गया कि स्पीकर की इजाजत से ये हुआ है, लेकिन अभी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी क्योंकि इनको भी ये डर है कि कल जब ये रिपीट होगा तो ये नहीं कह सकते कि जी हमारे दौर में नहीं हुआ, देखिए जी आज पार्लियामेंट के अंदर लोग आ गए हैं, ये क्या हुआ, और वो नकाब पोश थे, वो कौन लोग थे, स्पीकर को नहीं पता लगा, फला नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि करने वालों ने कर दिया है, ये सिर्फ ऐसे ही स्पीकर साहब जो कह रहे हैं जी मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं, हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, ये बड़ा गलत हुआ है, मेरा नहीं ख्याल वो कुछ कर सकते हैं। बल्कि ये तो सिर्फ बयानात की हद तक है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर जो लोग आए थे वो चाहें तो स्पीकर को भी गिरबान से पकड़कर ले जा सकते हैं, अगर वो फर्ज कीजिए अगर वो चाहें और स्पीकर साहब जरा बात ना माने तो ये सिर्फ ऐसी बातें हैं या पीपल्स पार्टी ने कह दिया, सिर्फ अपनी जो एक शर्मिंदगी है उसको थोड़ा मिटाने के लिए पीपल्स पार्टी ने कुछ जुमले कह दिए। वरना आप देखिए दाताड़ साहब कह रहे हैं कि ये जिन्होंने छुड़वाना था वो तो खुद अब भागते फिर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये तो रद्द अमल है, ये तो होगा, तो इसलिए स्पीकर साहब सिर्फ ऐसी बात कर रहे हैं, ना वो कोई इतनी इख्तियार रखते हैं। मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, मैं जो प्रैक्टिकल है वो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ना उनके पास इख्तियार है, उन्होंने सिर्फ पैसे कह दिया है, ना प्रोडक्शन ऑर्डर का कुछ होगा, ना कोई मुकदमा दर्ज होगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर दूसरी तरफ खड़े होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को भी इसी तरह पकड़कर और गिरबान से ले जाया जा सकता है, मसला ही कोई नहीं है। ये सिर्फ दिखाया गया है कि आपकी क्या हैसियत है, और पार्लियामेंट हो कोई भी बिल्डिंग हो, पहले हमने घर से देखा था चादर चार दीवारी, और अब पार्लियामेंट वालों को भी समझा दिया गया कि हु इज इन पावर, यानी मैसेज हैज बीन कन्वेड इन शॉर्ट, ये बात कन्वे कर दी गई है। अच्छा उजामा, अब मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ का आपने जिक्र किया, तो जब अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम बानी पीटीआई को रिहा करा लेंगे, अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 13 दिन रह गए हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, ये जो 15 दिन वाली बात थी ये हुकूमत ने बड़ी दिल पे ली है, अब इस पर आए रोज़ बात हो रही है, उन्होंने इसको जो समझे एक अटैक समझा है, पर्सनल अटैक, और इस पर अब ख्वाजा आसिफ हों या दीगर रहनुमा वो कह रहे हैं जी 15 दिन की आपने बात की थी, आप अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं, कोई कहता है आप 13 दिन रह गए, तो ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे जो बैक चैनल्स पर बात हो रही थी ये तो यकीनन हो रही थी बात, और जिस तरह 6 लोगों का तो कहा भी है बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ ने, 6 लोग थे जिनको मैंने कहा हुआ था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी हो तो ये लोग हैं, और हमारी इत्तलात यही है कि बातचीत चल रही थी कहीं ना कहीं, और उसी में आप देख लीजिए 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करना उसमें शामिल है, और उसके बाद ये चैम गुई शुरू हो गई कि अच्छा वो अब बात आगे बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ पीछे हटा गया और इस तरह से। लेकिन अब वो जो भी चीजें खुल रही थी मुझे लगता है वो जरा मामला फिर खराब हो गया है। अभी अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो जो इतने घंटे कहा गया गायब रहे हैं, वो कहते जी अमन अमान की मीटिंग थी और वो तबील हो गई, फिर मीटिंग्स के लिए लोग आते रहे, और फिर उसमें इमरान खान साहब की भी बात हुई है, तरीके इंसाफ के जलसे की भी बात हुई है, तो इनको ये लग रहा था कि जिस तरह बातचीत चल रही है कहीं ना कहीं शायद कोई रिहाई हो सकेगी बानी चेयरमैन की, अब जरा मुझे मुश्किल लगती है। लेकिन आप एक और चीज नोट कीजिए, अजमा बुखारी साहिबा ने भी कहा है कि 15 क्या तुम 20 दिन ले लो, अच्छा वो 120 कह सकती थी, 115 कह सकती थी, उन्होंने 20 क्यों कहे हैं? उनको लगता है कि नहीं 20 दिन में नहीं हो सकती, उसके बाद हो सकती है। देखिए ये जो केसेस हैं इसकी हकीकत सबको पता है, जो मेन केसेस थे वो खत्म हो चुके हैं जिनमें ज्यादा सजा थी, अब उसके बाद जो केसेस बनाए गए हैं वो नैब का अगर आप देखें तो वो कानूनी नहीं खत्म हो गए, अब वो कहीं और ट्रांसफर किए गए हैं, तो कानूनी मसला नहीं है, अगर कानून के मुताबिक बिल्कुल सही तरह से चला जाए तो वाकई शायद 15-20 दिन में उनकी रिहाई हो सकती है, मसला कहीं और है, तो अब वो मसला मजीद खराब हो गया है, तो शायद वो 15-20 दिन में ना हो सके, मगर ये ऐसी जब होते हैं जलसे में होते हैं तो और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस पर सबसे ज्यादा प्रेशर है कि जी आप पावर में भी हैं आप क्या कर रहे हैं रिहाई के लिए, तो उन्होंने ये कहना है हम अगले जलसे में आएंगे और उसकी रिहाई के लिए करेंगे। इस जलसे का मकसद भी यही था, एक प्रेशर बिल्ड करना कि जी आज भी उसकी पॉपुलैरिटी है, आज भी हम उसके साथ है, ये सारा पकड़ दकड़ जमात को तोड़ने की कोशिश करना कुछ भी आपने कर लिया, हम वहीं खड़े हैं और हम उसकी रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट होती है। बाकी तो ये है अगर केसेस ऑन मेरिट चले तो वो तो इसी महीने वाकई मेरी नजर में भी रिहाई उनकी हो सकती है। अच्छा यानी बात कम ही है, कम अरसे की है, ठीक हो गया। अच्छा उजामा, ये फैसल वाडा साहब भी एक अदद शख्सियत है हमारे इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पॉलिटिकल पिक्चर के ऊपर, जिनके हवाले से मैं कल भी अपने एनालिस्ट से बात करी थी, मैं कहती हूँ कि वो आते हैं टीवी के ऊपर, कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं
ही नोज हाउ टू स्टे रेलिवेंट, वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। और कल उन्होंने जो तकरीर भी की उसमें भी उन्होंने कहा, और साथ साथ ये भी कहा कि पीटीआई लाहौर में जलसा नहीं कर सकेगी, और साथ ये भी कह दिया कि कोर्ट मार्शल पर बात ख़त्म नहीं होगी। 99% चांसेस देख रहा हूँ कि बानी पीटीआई का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा। फैसल ज़वाडा साहब की तकरीर हम सब ने, मैंने तो खैर क्लिप्स में देखी, आपने तो ज़ाहिर सुनी भी होगी, क्या समझते हैं जी उनकी जो तकरीर थी और जो उनका जोश खिताबत में उन्होंने बहुत सारी बातें की, कैसी लगी आपको? फैसल ज़वाडा साहब बिला वजह बात नहीं करते, आपने नोट किया होगा, कोई अचानक सामने आते हैं और हर चैनल पर आपको नजर आएंगे, बड़े अग्रेसिव नजर आएंगे, बड़ी वाज़े स्टेटमेंट्स देंगे और उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। गायब से मुराद ये है कि फिर खामोश हो जाते हैं, फिर वो आते हैं पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ये आप इनको वो लाइट नहीं लेना कभी आपने फैसल ज़वाडा साहब ये हो या मुर्शिद अफ़ी साहब, मैं तो किसी को लाइट नहीं ले रही हूँ, मैं तो सवाल कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है, ये इतने पावरफुल लोग हैं और जब ये कोई बात करते हैं तो वो पूरा सिस्टम हिल जाता है, बाकी किसी की बात की अहमियत नहीं होती है। ऐसे ही तो नहीं हमारे बड़े बड़े एंकर्स को भी इनको बुलाना होता है, इनसे स्टेटमेंट्स सामने लानी होती हैं और आप देखें कि बड़ा सोच समझ कर इनसे बात करनी होती है। तो फैसल ज़वाडा साहब तो वो शख्सियत जिन्होंने कहा था कि पल्ले का निशान नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस ने भी वो साबित किया कि फैसल ज़वाडा दुरुस्त कहते हैं, तो पूरा सिस्टम उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है जो कुछ फैसल ज़वाडा साहब कहते हैं, आप उनकी अहमियत का अंदाजा लगाइए। मगर अभी मैंने प्रोग्राम देखा तो उसमें डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी साहब थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, तो फैसल चौधरी साहब उनसे भी कुछ खुश नजर नहीं आ रहे थे कि तुम तरमीम के लिए आगे बढ़ो ना, पांव पर खड़े होना क्यों नहीं कर रहे। तो वो तारिक फैसल चौधरी साहब चाह रहे सर गिरा के क्या करें, जैसे कोई जवाब दे रहा होता है वो, जी हमारे पास नंबर नहीं है ना, जिस तरह किसी जूनियर अपने अफसर को जवाब दे रहा होता है नंबर नहीं है ना, वो मतलब कह रहे हैं वो फैसल ज़वाडा साहब इस अंदाज में कि तुम आगे तो बढ़ो, इंतजाम हमने कर ही लेना है, तो वो उनकी जरूरत नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद थोड़े रिलक्टेंट हैं, शहबाज शरीफ साहब तो ताबेदारी में मास्टर हैं, वो मसला नहीं है, तो वो भी एक चीज चल रही है। तो बहरहाल फैसल ज़वाडा साहब जो कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे होते, सिस्टम उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है और वो पूरी एक उनको ब्रीफिंग मिलती है और उसके बाद वो आकर बात करते हैं, तो लिहाजा आगे सख्ती है और उसमें मैंने आप जिस तरह आपसे अर्ज किया कि इसका रिएक्शन आ रहा है, लेकिन बात यह है कि सवा दो साल में क्या हुआ। और ये भी जरूर है कि फैसल ज़वाडा साहब की सारी बातें दुरुस्त भी नहीं होती, लेकिन वो जो कहते हैं सिस्टम उसके मुताबिक चलता है, ये मेरा मकसद कहने का। मिसाल के तौर उनका जी ये जो मखसूस निशस्तों का मामला है इस पर तरीके इंसाफ को कुछ नहीं मिलना, ये गए बर्बाद, या इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, ये खत्म हो गई तरीके इंसाफ, और जी केपी में भी इनकी गवर्नमेंट नहीं, तो उनकी ये प्रेडिक्शन भी गलत हुई है। मगर जब वो जो कह रहे होते हैं सिस्टम उसके मुताबिक काम कर रहा होता है, चाहे वो आप ये देखें कि किसी भी हद तक मैंने मुराद दिया कि जो वो कह रहे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमारे इदारे वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी बात थोड़ा संजीदा लेना चाहिए। यानी उनके पास वो कबूतर है जो डायरेक्टली मैसेज लेकर आता है, वो कोई ऐसे वैसा नहीं है। ठीक हो गया इन जी, आप कुछ कह रहे हो सामा? मेरा ख्याल है वो खुद ही कबूतर है। अच्छा ठीक हो गया, चले, थैंक यू वेरी मच उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा गाजी सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। बात करेंगे कराची का जो अलमनाक सानिया था, बल्दिया फैक्ट्री का, जिसको 12 साल बीत चुके हैं। सानिया में जी 300 के करीब अफराद जो हैं वो झुलस कर जो हैं जाँबाहक हुए थे, जबकि 300 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे। जाँबाहक अफराद में जी फैक्ट्री वर्कर फैसल शाह भी शामिल थे, और फैसल शाह की जो अहले खाना है, ज़ाहिर है एक शख्स आपके जब फैमिली मेम्बर जुदा हो जाता है तो उसकी याद आपको डेफिनेटली उदास करती है, मुख्तलिफ त्यौहारों पर, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर। इस वक्त पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे जो मोहम्मद रज़ा हैं फैसल के अहले खाना के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 11 सितंबर 2012 सानिया है बल्दिया, इसकी सोच आते ही रूह कांप जाती है, इंसानियत शर्म से झुक जाती है। इस वाकये में जहां पर 250 से ज़ायद अफराद अपनी मौत की नींद सोए, वहीं एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जो इस वाकये में जाँबहक हुआ। इस वक्त हम इस सानिया बल्दिया में जाँबहक फैसल के घर पर मौजूद हैं, इनकी फैमिली से जानते हैं कि वो हर साल
किस तरह फैसल को जो है याद करते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात थी, क्या ख्वाब थे? बस उनका दिमाग यही था कि हमें कुछ करना, हमारा घर किराए का था तो हमारे हालात थोड़े बेहतर नहीं थे, तो वो इस कंपनी में लगे थे, मतलब काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम इधर मैं जा रहा हूँ ये कि हमारे हालात बहुत कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो उस दिन जिस दिन ये कंपनी में काम करने गए उस दिन उनकी सैलरी मिल रही थी इनको, तो मुझे मारी का मकान में बहुत तंग कर रहे थे किराए के लिए, तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ, मैं किराए के पैसे लेकर आऊँगा आज ना, घर का किराया देंगे हम। तो ये पैसे के हवाले से वहाँ पर गए थे, इनको पैसे भी मिले थे, पर ये कि हम इंतज़ार कर रहे हैं शायद ये आएंगे पर उस दिन ये वापसी नहीं आए। जब 11 बज गए कि वाकई में वो नहीं आए, क्योंकि हमें पता है वो ज़्यादा देर नहीं रहते थे कंपनी में, 8 बजे वो घर पर आ जाते थे। फिर हम मेरी सास वहाँ गई, इनके दोस्त के घर पर पूछा कि भाई ऐसा, तो बोला हाँ उसी कंपनी में आग लगी है। तो फिर उनको ढूंढते रहे, ये मेरे सुसर भी गए वहाँ पर ढूंढने के लिए उनको, तो उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, रात के तकरीबन 3 बजे उनकी डेड बॉडी मिली वहाँ से। हुकूमत ने जो बोला वो तो पूरा करे ना हमारे साथ, अब जाए हम भी किराए के घरों में हैं, जब आपने ऐलान करा है तो हमारे को पूरे अदा करें हमारे मुआवजे, जो हम अपना घर ले, जो उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपना घर लूँ। पैदाइश के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि आपका कहना है कि उसी दिन पैदाइश का भी दिन था? उस दिन बर्थडे थी, तो हमने बोला ये आएंगे तो हम उनको अचानक सरप्राइज़ देंगे कि आज तुम उनकी बर्थडे थी, पूरे 25 साल के हो गए, उन्हें नहीं पता था कि मेरी बर्थडे, हम इंतज़ार करते रहे इसी से कि आए तो हम उनकी बर्थडे मनाएं। इनका जो बेटा है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह अपने वालदैन का सहारा बनेंगे, क्या आपके जो वालिद के ख्वाब थे किस तरह पूरा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरी मम्मा का ख्वाब था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं और अपने अब्बू दादी दादा मम्मा का सहारा बनूं, बड़े होकर मैं अपने घर वालों का सहारा बनूंगा और बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा। फैसल के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो की शख्सियत के बारे में और किस तरह का जो है आपका बेटा था, वो क्या ख्वाब थे, क्या क्या कहना चाहेंगे? मेरी नानी वगैरह मामू वगैरह जितने भी हमारे ख़ानदान वाले पप्पी वगैरह सब उसकी तारीफ़ करते हैं, मतलब वो बच्चा सब में मुख्तलिफ था तुम्हारा। फैमिली सिर्फ फैसल की नहीं, 250 से ज़ायद अफराद जो इस तमाम तर वाक़े में जाँ भाग हुए, सबकी एक नई कहानी है, कुछ बहुत से ख्वाब थे, बहुत सी सारी चीज़ें थीं जो अधूरी रह गईं, और जैसा कि फैसल एक बर्थडे था उसका और घर वालों ने उसको सरप्राइज़ देना था, लेकिन ख़बर उनको ऐसी मिली कि ये ख़ुद बहुत हैरान और परेशान रहे, और इनकी यही ख्वाहिश है कि जो इनके तहफ़ुज़ात हैं जो सरकार की तौर पे या दीगर लोगों की जानिब से जो इनको मुआवजा देने और दीगर जो इनके मुतालबात पूरे करने का कहा गया था, तो इनकी यही ख्वाहिश है कि वो उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और उनको इंसाफ़ फराहम किया जाए। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है कोप एमआई को लेकर, पहाड़ों को लेकर गुड मॉर्निंग पब्लिक हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहता है। आज भी जी हम कोप एमआई के हवाले से बात करेंगे और आज एक बड़ी ज़बरदस्त कोप एमआई हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया शर्जील इनका नाम है जी। इन्होंने नेपाल से कोप एमआई का बाकायदा तौर पर कोर्स किया है, ट्रेनिंग हासिल की और वो पाकिस्तान की पहली तरबियत याफ्ता खातून को पैमा है। मुख्तलिफ चोटियों को सर कर चुकी हैं और इस मकसद के लिए वो हुंजा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। सर्दियां हुंजा के अंदर जी गुजारने का इरादा रखती हैं ताकि कराक्रम में जो कोप एमआई का वो दोबारा से आगाज़ कर सकें, क्योंकि सादिया ने अपने जो बच्चों के बाद अपने इस करियर को थोड़ी ब्रेक दी थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों को ये होम स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत घर में पढ़ा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन ये कैसे होम स्कूलिंग कर रही हैं और हुंजा के अंदर इस वक्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और कोप एमआई की बाकायदा तौर पर तरबियत लेना, आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास जितने भी कोप एमआई हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया, क्या वो बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं या इसी तरह से अपने शौक़ के तहत जाते हैं, ये भी मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगी। और ये जो सर्दियाँ हैं ये हुंजा में गुजारी हैं जहाँ पे ऑलरेडी मौसम बहुत अच्छा होता है और सर्दी में तो मज़ीद सख्त सर्दी होती है, तो हम ज़रूर जानेंगे सादिया से। सादिया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे थोड़ा सा अपनी इस कोप एमआई के जर्नी के हवाले से बताएं, कब से आप कर रही हैं, कितना आपने ब्रेक लिया इसमें और अब आप दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रही हैं? मैं ये कहना तो नहीं चाहती लेकिन सच ये है कि मुझे बचपन से ही शौक था
एक तरह से कह रहे हैं कि पहाड़ों ने मुझे चुन लिया था। और मैं कब से कर रही हूँ, अगर मैं अपना पहला ट्रिप बताऊँ तो डेट वॉज लाइक 28 years ago, 28-30 साल पहले मैं फेरी मेडोज गई थी सबसे पहले, और तब तो पाकिस्तानी वहाँ जाते भी नहीं थे। और उसके बाद से ये सफ़र शुरू है। बेसिकली मैं माउंटेनियरिंग ही करना चाहती थी, मुझे पहाड़ के ऊपर ही चढ़ने का शौक था, लेकिन पाकिस्तान में इतने आपको पता है कि मौाक़े नहीं हैं, सीखने के मौाक़े नहीं हैं, लेकिन ट्रैकिंग के मौाक़े थे, तो मैं ट्रैकिंग करती रही। और ट्रैकिंग करती रही, फिर लास्ट मेरा ट्रैक था K2 बेस कैंप का। तो उसके बाद मैंने कहा यार ट्रैकिंग तो हो रही है लेकिन मैं पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ रही। देन आई केम टूवर्ड्स ट्रेनिंग, कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि मुझे पता चले कि जो माउंटेनियर्स चढ़ रहे हैं वो आखिर चढ़ते कैसे हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू। तो मैंने एक कोर्स पाकिस्तान से किया, मगर वो था 8-10 दिन का, तो उससे मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ खास जो है ना चढ़ने के राज पता चले हैं। देन आई वेंट टू नेपाल, और नेपाल में अल्पाइन एसोसिएशन ऑफ स्लोवेनिया का कोर्स था, तो इट वॉज लाइक काइंड ऑफ यूरोप ही नेपाल आया हुआ था। तो वो कोर्स जो था वो 1.5 माह का था, 6 हफ्ते का। उसके बाद मुझे जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि आई कैन डू समथिंग। ज़बरदस्त सादिया। अच्छा वैसे मैंने आज आपसे पहली दफ़ा सुना है कि इस तरह की बाकायदा कोई लोग ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज़ हमारे पास माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त माउंटेनियर्स आते हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। हमारे पास अनम आई हैं, हमारे पास नायला आई हैं, नायला से इनफैक्ट हमारी कल ही बात हुई थी, उन्होंने भी, मैंने उनके मुँह से नहीं सुना कि उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। वो कहती जी हमें शौक था, जुनून था, हम पहाड़ों पर चढ़ गए। तो आपने जो ट्रेनिंग है अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लिया, या आपको ऐसा लगा कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए यू नीड टू लर्न टेक्निक्स, आपको सारा वो सिस्टम समझ आना चाहिए? देखिए अर्मिला, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इट कम्स डाउन टू योर वैल्यूज कि आप करना क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि अब चीज़ें कमर्शलाइज हो चुकी हैं। जो 8000 मीटर पीक्स हैं और काफ़ी 6000 मीटर पीक्स भी हैं, दे आर ओपन फॉर टूरिस्ट नाउ। यू डोंट रियली नीड टू बी अ माउंटेनियर, यू कैन go there as a tourist and you can climb. उसमें ये है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यू जस्ट आप कंपनी को पैसे देते हैं और वो आपको चढ़ा देते हैं। मतलब जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रोप सेफ्टी हो गई, इन केस ऑफ 8000 मीटर पीक ऑक्सीजन हो गई, तो वो सब कंपनी आपको कर देती है। तो मेरा ये विजन कभी भी नहीं था। ठीक है, आई एम मोर ड्रॉन टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, टूवर्ड्स एल्पिनिज्म, आई एम अ प्योरिस्ट। तो मेरा ख्याल में चीज़ों को ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग पे इतना एम्फेसिस दिया। ज़बरदस्त, आई एम ग्लैड कि आपने किया, और इसने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में एज यू सेड के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई थिंक कि ये वो एडवेंचर है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर मैटर करती है, बाद में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टिल आपको हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुझे सादिया ये बताएं कि अब आप इस वक्त हुंजा के अंदर मौजूद हैं, और मैंने जैसे कहा कि आफ्टर योर बेबीज़ आपने ब्रेक लिया, क्या ऐसा ही है, और कितने टाइम का ब्रेक लिया आपने, और अब आप दोबारा से जब इसको कंटिन्यू कर रही हैं तो क्या करने वाली हैं अब आप हुंजा में? देखिए जो हुंजा आके रहने का फैसला था उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, कभी भी एक फैक्टर नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था एज अ फैमिली यहाँ आके रहना। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि यार जिस लेवल, अच्छा जब मैंने नेपाल से कोर्स किया था तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स के कमेंट्स थे कि योर टेक्निक इज़ वेरी गुड बट योर फिटनेस इज़ हाफ ऑफ व्हाट इज़ नीडेड। ओके, तो मुझे फिटनेस का इशू था, दैट वाज माय लिमिटिंग फैक्टर। मैं अपने रोप पर टेक्निक के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन फिटनेस के बारे में नहीं। अब तो खैर बहुत बेहतर है। तो मैंने सोचा मुझे पहाड़ों में रह के ट्रेनिंग करनी है, मेरी फिटनेस ट्रेनिंग पहाड़ों में होनी चाहिए, तभी मुझे वो चीज़, वो स्टैमिना मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो एक तो ये था, फिर दूसरा हम लाहौर की गर्मी से भी काफी तंग थे। हम भी बड़े तंग हैं, जाना चाहते हैं पहाड़ों में हम भी। ऐसे ही है। तो कुछ अल्लाह के काम होते हैं, माय हस्बैंड एग्रीड विद मी, वो मेरे हम ख्याल निकले, तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई और अब मैं यहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग कर रही हूँ और टेक्निकल साइड पे भी आऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो था ना कि यहाँ घर सेट हो गया है, तो अब मैं, एंड देन आई वुड बी क्लाइंबिंग अ लॉट ऑफ स्मॉल पीक्स। ओके, अगेन कि अगर मैंने कमर्शियली नहीं चढ़ना तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर टैकलिंग अ बिग माउंटेन। कमर्शियली चढ़ना तो वो तो अभी भी मैं किसी को पैसे दे दूंगी, मुझे चढ़ा देंगे। या आई गेट इट। सो
मेरा विजन फायर का, तो अब मैं आई एम गैदरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द माउंटेन्स, डूइंग माई फिटनेस ट्रेनिंग इन द माउंटेन्स, और दैट वॉज द विजन. वेरी इंटरेस्टिंग साधिया, ये अच्छी बात है. आई रियली लाइक इट एंड आई अप्रिशिएट कि आप अपनी फिटनेस की वजह से पहाड़ों में गई हैं. और आई विश कि हम भी कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसिस में होते, हम भी सोचते हैं हम जिम की बजाय पहाड़ों में जाएंगे और अपनी फिटनेस ठीक करेंगे, लेकिन हमारे बड़े मसले होते हैं. अच्छा, अब मसला पेरेंट जब आप बन जाते हैं तो एक बड़ा इशू होता है जब आपने इस तरह का प्लान करना होता है कि आपने दूसरी जगह पर जाके रहना है और अपनी फैमिली के साथ रहना है, और एक बड़ा स्पेसिफिक टाइम. सबसे पहला जो कंसर्न आता है, जी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कैसे होंगी, और हमें ये पता है कि आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रही हैं, तो इसमें तो ये ऐड ऑन हो गई चीज़ के आपको फ़ायदा हो गया. सो ये बताएंगे होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आपने अपने बच्चों के लिए क्यों चूज़ किया. देखिए, मुझे ना बचपन से दो ही शौक थे, एक पहाड़ चढ़ना और एक माँ बनना. वाह. तो मदरहुड मेरा ये भी मैंने मुझे शुरू से ही था कि मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, उनकी तालीम और तरबियत प्राइमरी तौर पे मेरी जिम्मेदारी है. तो वो कॉन्सेप्ट जब स्कूल भेजने का वक्त आया तो वही कॉन्सेप्ट डेट ट्रांसलेटेड इनटू होम स्कूलिंग, कि नहीं मैं घर पे ही कराऊंगी. और ये बड़ा डीप टॉपिक है कि मैं क्यों करा रही हूँ, लेकिन आई डोंट बिलीव इन द सिस्टम. मेरे ख्याल में बच्चे के जो पहले 7 साल होते हैं ना, उसे खेलना चाहिए खाली. तो काइंड ऑफ इट वॉज अ रिबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम, मगर उससे मुझे फायदा भी हुआ. हमें ये फ्रीडम मिल गया कि हम एक जगह रूटेड नहीं हैं, हम कहीं और जाके रह सकते हैं, और इट गेव अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम. ओके, ठीक हो गया, जबरदस्त. अच्छा, हुंजा के अंदर आप हैं. अमूमन कहा जाता है कि हुंजा में जो सर्दी होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती. सख्त सर्दी के अंदर बहुत कम लोग हैं जो रहते हैं हुंजा के अंदर, मतलब जो जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं. अब जाहिर है आप तो ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं, उसकी तैयारी भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और साथ साथ जाहिर है आपके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, उन्होंने भी आपके साथ रहना है और सख्त सर्दी में रहना है. सो क्या तैयारी आप करके आई हैं, क्या आपने कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि मुझे लगता है सख्त गर्मी और सख्त सर्दी दोनों एक्सट्रीम वेदर्स में बड़ा मुश्किल होता है. सही कह रही हैं अर्मिला. इसमें द की पॉइंट इसके आपने तैयारी करनी है. हाँ. आपने सबसे पहले लकड़ी का स्टॉक आपके पास होना चाहिए, इन सर्टन केसेस फूड का स्टॉक होना चाहिए, गर्म कपड़े आपके अगर अच्छे वाले हैं ना तो दे वो आपको बहुत हेल्प करते हैं. तो मैं एक दफ़ा पहले भी सर्दी रह चुकी हूँ. okay. तो अब मैं सारे प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ. मेरे okay. बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं सर्दी को, तो We have enjoyed it actually. Lovely, lovely. You have daughters या आपका कोई बेटा भी है? मैं आपसे सवाल. एक बेटा, 13 साल का बेटा, 9 साल की बेटी है. माशाल्लाह, माशाल्लाह. तो मेरे ख्याल से उनकी अम्मा अगर पहाड़ों पे फिटनेस का कर रही हैं अपना ख्याल, तो बच्चे तो जाहिर है डेफिनेटली बड़े इंस्पायर होंगे. बच्चों को भी शौक हुआ है माउंटेनियरिंग का कि जी हमने अम्मी की तरह फिट होना है और पहाड़ों पे चढ़ना है और हमारा यही शौक होगा? हॉबी अच्छी है अर्मिला. मेरी बेटी को तो एडवेंचर का शौक है, लेकिन मेरा बेटा किसी और दुनिया में रहता है. वो तो बॉदर भी नहीं करता कि मतलब मैं एक्सपीडिशन पर जाती हूँ तो कहता है मेरे लिए क्या लाओगी, मेरे लिए चॉकलेट ले आना. मैंने कहा यार मैं पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ. तो बेटे को बेटे को नहीं है, बेटी शौक का इजहार करती है. ठीक है. अच्छा, अब जैसे आपने खुद अभी मुझे बताया साधिया पहले सवाल में, कि आपने जो डिसाइड किया कि आप पहाड़ों पे जा रही हैं और अपनी फिटनेस पे काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर, अब जाहिर है माउंटेनियरिंग एक शौक के साथ साथ एक जो कह रहे हैं लोगों का टूरिज्म अट्रैक्शन भी बन चुकी है, लोग आते हैं यहाँ पे पहाड़ चढ़ने, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है और दुनिया भर में भी. अब पाकिस्तान के अंदर माउंटेनियरिंग को लेके व्हाट डू यू थिंक, कि हमें ट्रेनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करना है, ना कि कमर्शियल एस्पेक्ट को किया जाए? और जाहिर है ये एक अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छा शौक है, लेकिन इसके लिए सेफ्टी, ट्रेनिंग, फिटनेस, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. जी एक्चुअली मैं अक्सर सवाल के जवाब पे ये कहती हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए माउंटेनियरिंग ऐसी है जैसे अमेरिकन के लिए क्रिकेट है. हमें नहीं समझ. मैं आपको एक मिसाल देती. अच्छा, कमर्शियलिज्म की जहाँ तक बात हो रही है, मैं आपको मिसाल देती हूँ. मैंने एक समिट ही की है खौसरगंज, जब मैंने समिट की थी तो मेरे साथ कुछ और लड़कियां और बच्चियां भी थी. एक तो ये भी ट्रेंड चल चुका है कि जी यंगेस्ट चढ़ जाए तो इस तरह चढ़ जाए. अच्छा, वहाँ बेस कैंप पे मैं बैठी भी हूँ और उस लड़की ने कहा कि इसने कहा जुमार क्या होता है. तो मैं बहुत आई वॉज रियली कंसर्न एट दिस थिंग कि जुमार लगा के ही तो तुमने चढ़ना है और बेस कैंप पे बैठे हुए वो कह रही है कि जुमार क्या होता है. तो कमर्शलिज्म की तो अब ये हालत है.
पीपल नो नथिंग अबाउट इट और बस कमर्शलिज्म है ना, पैसे दें और चढ़ जाएं, सबको ओपन सीक्रेट है, बस कोई बोलता नहीं है। तो पाकिस्तान में एडवेंचर हम लोगों की मिजाज में नहीं है, ये जो साउथ एशियंस लोग हैं इनके मिजाज में नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोगों की डिमांड होगी तो ट्रेनिंग के मौके मिल ही जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों की डिमांड है, दे जस्ट वॉन्ट टू गेट फेमस, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे बताएं कि अब आपने अपने आपको कितना टाइम दिया है ट्रेनिंग के लिए, कि आप इतना अर्सा ट्रेनिंग करेंगी और उसके बाद आप एक पहला समिट करने वाली हैं जो आपने सोचा है कि आप कौन सा करेंगी? देखिए खोसर काम तो हो गया, पहली समिट तो हो गई, दूसरा जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने अपने आप को 10 साल दिए थे कि आई शुड बी रेडी फॉर अ बिग माउंटेन इन 10 इयर्स। ओके ओके एंड आई एम क्लोज, आई एम वेरी क्लोज, लेकिन अर्मिला बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, लाइक आई नीड अ क्लाइंबिंग पार्टनर, आई नीड फाइनेंसेस, तो सब कुछ हो जाएगा लेकिन वो किस पॉइंट पे सब कुछ मुझे मिलेगा, आई कांट से, आई कांट रियली से। अभी इट वॉज माई ड्रीम डेट आई शुड बी एबल टू ट्रेन इन द कराकोरम और वो ड्रीम पूरा हुआ है, बाकी वो जो समिट वाली चीज है लेट्स सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एज यू सेड के टाइम इज नियर, आपने सोचा हुआ है और होगा, और आपने जैसे मुझे लगता है आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन मैनिफेस्टिंग समथिंग, जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो होता है, सो स्टार्ट डूइंग इट। और आपने तो बहुत अरसे से शुरू किया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसमें कामयाब होंगी। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके जो भी प्लान्स हैं अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे, आप जैसी ख्वातीन बहुत सारी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सादिया शर्जील हमारे साथ मौजूद थी जी, पाकिस्तान की पहली तरबियत याफ्ता को पैमा है, और उन्होंने सोचा है कि इन्होंने अपने जो ड्रीम्स हैं उनको परसू करना है, माउंटेनिंग को लेकर आगे चलना है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे ही जैसे मौसम बदलता है बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन्स आते हैं, लेकिन चूंकि अब ये जब बारिशों का सीज़न गुजरता है तो उसके बाद जो डेंगू वायरस है उसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जी गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे भर में डेंगू के 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और एक हफ्ते के अंदर 124 केसेस, जबकि रवा साल अगर अब तक बात की जाए तो 486 के करीब डेंगू के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में जी आपको पता है हर साल ये वायरस सर उठाता है, इस पर हुकूमत काम भी कर रही है, अवेयरनेस भी दे रही है, हिफाजती इकदाम के हवाले से भी कहा जाता है, लेकिन आप अपने तौर पर क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ये वो चीज़ है जिसका आपकी सेहत के ऊपर इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। आप जहां कोविड से कहते हैं ना, अगर डेंगू खुदा ना खास्ता किसी को हुआ हो तो पीपल से कि ये कोविड से भी वर्स्ट है, जिसमें जो सूरत हाल होती है, जो वीकनेस और ये सारे मामलात होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है जी डेंगू वायरस को लेकर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और वैसे भी अवेयरनेस के हवाले से आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर उमर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हेल्थ पंजाब के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब ये जो डेंगू का मसला है ये हर साल आता है और वेदर बदलने के साथ चीज़ें होती हैं, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि एक एवरेज के मुताबिक रोजाना 22 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन अभी पंजाब के अंदर बात की जाए तो? देखें जी, एज वी ऑल नो कि इट्स बीन मोर देन अ डेकेड जब पाकिस्तान डेंगू से हिट हुआ था, उस टाइम हमारे SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ और थे। अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड गुजर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो SOPs हैं वो इतने मैच्योर हो गए हैं कि अगर हम इसको देखें आई गेस 10 ईयर्स बैक और 12 ईयर्स बैक, तो जो उस टाइम के इंसिडेंस केस रेट था और अब का केस रेट, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। लेकिन चूंकि मानसून सीज़न है और जून जुलाई अगस्त और सितंबर ये 4 मंथ्स होते हैं जो इसका ब्रीडिंग सीज़न भी होता है मॉस्किटो का, ठीक है, चूँकि मॉस्किटो जो है वो ये डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मींस के डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कुछ और होता है और उसमें कोई एक थर्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है उस वायरस को बॉडी तक ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये ब्रीडिंग सीज़न है इस मॉस्किटो का, ऊपर से मानसून सीज़न है। सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो सबसे पहले अगर हम इंटरवेंशन देखें तो इसमें हमारी
अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये हमारी एक जॉइंट वेंचर चल रहा होता है, इन्हीं 4 मंथ्स में कुछ ज़्यादा स्पेस चल रहा होता है कि कहीं पे भी हम कोई ऐसा स्टेगनेंट वाटर ना देखें जो आई गेस कोई 2 वीक्स आप कह लें कि नॉट लेस देन इफ इट इज़ फॉर 2 to 3 डेज तो इट इज़ ओके, लेकिन ये 2 वीक्स और लेट्स से 18 डेज तक उससे ज़्यादा कोई स्टेगनेंट वाटर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। इसकी वजह ये होती है कि जो इसका ब्रीडिंग स्पॉट है इस मॉस्किटो का वो वही है। अब चूँ जैसे मानसून बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेन स्पेल बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो केडर है सैनिटरी पेट्रोल, एक हमारा केडर है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उन लोगों का काम ये होता है कि वो डिफरेंट स्पॉट्स पे जाके चेक करते हैं स्टैग्नेंट वाटर को। ठीक है। इसमें हम हर स्पॉट देखते हैं, स्कूल्स देखते हैं, फैक्ट्रीज देखते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज भी देखते हैं, पुलिस स्टेशंस देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, और उस केडर के साथ हमारा कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं, हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स होते हैं कि हमें कहीं पे भी डेंगी लार्वा की जो ब्रीडिंग स्पॉट है वो ना मिले। ठीक है। इन केस अगर हमें कहीं पे वो लार्वा मिलता है तो फिर उसी टाइम हम उसको इरेडिकेट करते हैं, उस स्पॉट को, उस स्टैग्नेंट वाटर को, जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मदद के साथ। अच्छा, अलाइड डिपार्टमेंट्स को भी थोड़ा सा मेंशन कर दें कि कौन कौन है, और जाहिर है कि हम पंजाब या सूबे की बात करें, बहुत बड़ा एरिया है, टीम्स आपकी किस तरह से आप लोगों ने डिवाइड की हुई है, जो मुख्तलिफ, जैसे आपने कहा कि आप सरकारी दफातर में भी देख रहे हैं, स्कूल्स में भी देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में भी देख रहे हैं। इस टीम में 2 तरह के जो हमारे टेक्निकल पर्सन होते हैं, एक पर्सन है उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि इफ़ समवन फाइंड्स लार्वा एट सम स्पॉट तो ही इज़ अ टेक्निकल पर्सन, और वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज़ द लार्वा ऑफ डेंगी मॉस्किटो। ठीक है। उसके साथ हमारे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्ट एक्सरसाइज कर रही है, अगर हमें कहीं पे ये कंफर्म हो जाता है कि वो डेंगी लार्वा ही है तो उनको हमने पावर्स डेलीगेट की होती हैं कि टू सील डाउन डैट प्लेस फॉर 2 वीक्स। इसके अलावा अगर हम दोबारा फर्स्ट स्टेज पे उनको वार्निंग इशू करते हैं, वो वार्निंग हेल्थ डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इशू करता है अपने जॉइंट नोटिस से, अगर हमें इन केस उनका रिस्पॉन्स उस तरह से ना मिले तो उसके बाद फिर हम लोग FIR की तरफ जाते हैं। अच्छा, ओके, एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए जाते हैं। अच्छा रख साहब, अब जाहिर है कि ये एक चीज़ है जो हर साल आती है और जिसके लिए आपने कहा कि वह टाइम हमारी जो मयज़ हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, कि जो स्प्रे होता था हर साल, इस बार आप लोगों ने क्या डेडिकेटेड स्पॉट्स रखे हैं या स्प्रे नहीं हो रहा? इसमें एक्चुअली ऐसे है कि अगेन के जो SOPs हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। अच्छा। और जो मेडिकल टेक्निकल ग्राउंड्स होती है ना, ये ऐसे है कि लेट्स से हम लास्ट डेकेड के जो SOPs हैं वो आज की डेट में फॉलो नहीं कर सकते। okay. इसी तरह जो हमारे आज के SOPs हैं हम उसको 2034 में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जब डेंगी की एपिडेमिक हिट हुई थी उस टाइम SOPs यही थे कि जहाँ पे भी हमें कोई ब्रीडिंग स्पॉट मिलता था तो उसी टाइम फॉगिंग की जाती थी। ठीक है। फॉगिंग की जाती थी और उसके साथ हम कुछ स्प्रे करते थे, ये 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें परमेथारिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का एक मिक्सचर होता है जिससे जो लार्वा होता है उसको इरेडिकेट किया जाता है। ठीक है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हुआ ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस चेंज हुई, जो ये WHO हेडक्वार्टर की रिकमेंडेशंस हैं और ये फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, इट इज़ नॉट फॉर पंजाब और फॉर पाकिस्तान, के जो हम फॉगिंग करते थे या हम जो भी स्प्रेज वगैरह करते थे उससे ऑफ एंड ऑन कुछ हमें एलर्जिक रिएक्शंस रिपोर्ट हुए। ओके। इस वजह से अब हमारे SOPs ये हैं कि इन केस अगर हमें कोई ऐसा पेशेंट आइडेंटिफाई होता है हु इज़ पॉजिटिव, फिर टीम जाती है और वो वहाँ जाके उसके एक स्पेसिफिक सर्कल ड्रॉ करती है, लेट्स से उसके घर से 10 घर राइट, 10 घर लेफ्ट एंड 10 ऑन फ्रंट एंड 10 ऑन बैक, ये एक सर्कल ड्रॉ होता है और उस एरिया के अंदर फॉगिंग की जाती है, उस स्प्रे किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो हो गई आप लोगों के हुकूमती सदा पर इकदाम, एक इंडिविजुअल इंसान आप अपने घरों में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, और अगर डेंगू हो गया है तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये आपने 2 डिफरेंट पॉइंट्स पूछे, इसमें देखें द फर्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऐसे है कि हमारी जो टीम्स है ना उनको जो सबसे ज़्यादा लार्वा मिलता है, लेट्स से वो मिलता है अगर हम इंडोर की बात करें तो किचन से। ठीक है। और फ्रिज से। अच्छा। जो फ्रिजेस होती हैं इनके अंदर जो हमारा जो वाटर ट्रे होता है
अब उस वो वाटर ट्रे जो है वो हमने देखा, इनफैक्ट इस पे काफी रिसर्च आर्टिकल्स भी आए। फ्रिज में कैसे लार्वा हो सकता है? नहीं, फ्रिज का जो वाटर ट्रे है, जब फ्रिज के अंदर जो बर्फ है वो पिघलती है, ठीक है, तो उसका जो वाटर है वो फ्रिज के नीचे एक ट्रे होता है, हाँ, बिल्कुल उसके होता है। उसके अंदर वो जमा होना शुरू होता है। अब ये एक ऐसी हैबिट है, यानी आप लोग अगर इसको अपने लेवल पे भी देखें तो घर वाले ना कभी उस ट्रे को खाली नहीं कर पाते, यानी ये सबसे ज्यादा ब्रीडिंग स्पॉट है इनडोर का। इवन अब मुझे याद आ रहा है आपकी इस वाटर ट्रे से कि इवन आपके जो डिस्पेंसर्स होते हैं घरों में उसकी ट्रे में भी पानी ही होता है, तो वहाँ पे भी आ सकता है? जी वहाँ पे भी आ सकता है। ओके, अब होता ये है कि वो घर वालों को, यानी फॉर अ वीक और टू वीक कोई इतना टाइम स्पेंड नहीं है, घर वाले नोट नहीं करते और वहाँ पे जो ब्रीडिंग स्पॉट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये तो एक बड़ी बेसिक सी चीज है जो आप घर पे कर सकते हैं अवॉइड। ठीक है, इसके अलावा पहले जो ज्यादा जोर दिया जाता था वो दिया जाता था रूम कूलर्स पे और पुराने टाइल्स पे, आप लोगों ने देखा होगा। और एसी के जी, जो होता जो, था जो जो एसी का वो एक पॉट होता था, लेकिन अब वो वाले लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस है, यानी जो पुराने टाइल्स हैं वो हमें नहीं मिलते, हमारी टीम्स को नहीं मिलते, और जो सेकंड स्पॉट है कि कोई यानी कोई भी फ्लावर पॉट्स पड़े हुए हैं उनमें भी कोई ऐसा स्टैग्नेंट वाटर नहीं होता। इनडोर में भी जो सबसे ज्यादा जो हीटिंग स्पॉट है वो अगेन यही है, फ्रिज एंड जो डिस्पेंसर्स का स्पॉट है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि अगर इन केस खुदा ना हादसा किसी को डेंगू हो गया, डेंगू की 3 फेजेस होती हैं, जो द फर्स्ट वन इज लेट से इनिशियल फेज, वो उसकी लेंथ होती है 4 to 5 days, ठीक है। सेकंड फेज इज क्रिटिकल, उसको हम फेब्राइल फेज कहते हैं, जिसमें किसी को भी फीवर होता है, ओके, वो बहुत सेंसिटिव फेज होती है, ओके, ठीक है। वो भी उसकी लेंथ भी होती है 5 to 7 days, ठीक है। उसमें होता ये है कि जी हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर खुदा ना हास्ता आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है और बॉडी पे रैश स्टार्ट हो गए हैं, तो someone must go to hospital. Okay. यानी ये नहीं है कि आप सिंपल पेनाडोल लें और होम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि खुदा ना हास्ता अगर उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी अटैच हो जाती है तो फेब्राइल फेज में जो खुदा ना हास्ता को कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो उसको रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर अवान हमारे साथ मौजूद थे जी। डेंगू वायरस जो है फिर से सर उठा रहा है, आप एहतियात करें अपने घरों के अंदर, कोशिश करें कि जहाँ पे आपको लगता है कि पानी जमा हो रहा है उसको अवॉइड करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की कि फ्रिज में जो वाटर ट्रेज होती हैं उनको खाली करें, और डिस्पेंसर्स हैं, इवन आपके जो एसी के पॉट्स हैं या फ्लाइंग पॉट्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप एहतियात करके इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप एंड बी सेफ एवरीवन, ये वो चीज़ है जो बहुत आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है फॉर द लॉन्ग रन। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और आज तमाम ख्वातीन, इनफैक्ट मर्द हजरात के लिए भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये सेगमेंट होने वाला है। नॉर्मली हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के ऊपर, मैं तो ख़ुद रोज़ सुबह सुबह अपने बालों को जलाती हूँ, स्ट्रेटनर, कभी कर्लर, कभी कोई चीज़, और हम अक्सर अपने बालों की हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं स्टाइलिंग टूल्स की वजह से। स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल कैसा है और इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल का इशू है, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो बालों से रिलेटेड होते हैं लेकिन हमें उसको सही से एड्रेस करना नहीं आ रहा होता, तो आज हम इस पे बात करेंगे कि आप अपने बालों को कैसे बचा सकते हैं, हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अगर आप स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करें हैं तो कैसे करना चाहिए। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप बालों के, आपके पास बहुत सारी ख्वातीन आती होंगी और कहती होंगी जी हमारे बाल ख़राब हो गए, 4 साल पहले जितने हेल्दी बाल थे अब वैसे नहीं रहे, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्यों हो रहे हैं ये इश्यूज़ बाल के? देखें, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो स्टाइलिंग है इस वक्त, पहले ये होता था कि आप ओकेजनली कभी कर रहे होते थे, अब क्योंकि अगर छोटी बच्चियाँ भी हैं वो स्कूल कॉलेज जाते हुए भी कर रही होती हैं
और डेली रूटीन में वो चीज़ शामिल हो चुकी हुई है। अब जाहिर है कि अगर आप इतनी ज़्यादा ओवर हीट देंगे बालों को तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपके बाल ब्रिटल हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राइनेस यानी कि मॉइस्चर उसमें से ख़त्म हो रहा है। आपका जो बेसिकली आपके बालों का आप कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज़ केराटिन, वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से आपको आमतौर पर ये होता है कि बाल आप कहते हैं जी दरमियान में से टूटने लग गए हैं, ठीक है, और आपको उड़े हुए बाल महसूस हो रहे होते हैं, स्प्लिट एंड्स बहुत कॉमन है इसकी वजह से। अच्छा, उसके अंदर अब किया क्या जा सकता है कि जो आपके स्प्लिट एंड्स हैं उसके लिए आपको एक तो ये कि एवरी टू मंथ्स आपको बेहतर है कि आप स्प्लिट एंड्स को रिमूव करवाएं क्योंकि उसके लिए कोई हल नहीं है जो स्प्लिट हो गए हैं बाल, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनिशियली लग रहा है कि दे आर ब्रिटल, ठीक है, और आपको लग रहा है कि सिर्फ ड्राइनेस है तो उसको आप डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अक्सर लोग कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली रूटीन के अंदर। मैं पर्सनली कंडीशनर्स कितने हक में नहीं हूँ। अच्छा, हेयर मास्क आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कंडीशनर एक टेम्परेरी चीज़ है जो आपको बिल्कुल जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एक आपको नीट लुक दे देती है, सॉफ्ट हो जाता है। यस, लेकिन दैट इज़ टेम्परेरी, दैट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। अगर आप उसकी जगह कोशिश करें कि आप हेयर मास्क इस्तेमाल करें तो वो बेसिकली आपके जो बालों की हेल्थ है उसको बेहतर करेगा। और क्योंकि आप उसको रूट्स में भी लगा सकते हैं, कंडीशनर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप रूट्स के करीब चले जाते हैं तो वो आपकी स्कैल्प के लिए डेंजरस है। ओके, तो आपने बेसिकली कंडीशनर को भी अवॉइड करना है। इसी तरह जब आप हीटिंग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक तो टेम्परेचर लो रखना है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर बालों को आप स्टाइल नहीं करेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने, अब तो बहुत हर बंदे के पास मेरा नहीं ख्याल है कोई इतनी मुश्किल चीज़ है या कोई एक्सपेंसिव है, क्योंकि इफ़ यू कैन अफोर्ड अ हीटिंग डिवाइस या आप कोई भी स्टाइलिंग टूल कर सकते हैं इस्तेमाल, तो फिर आपके लिए प्रोटेक्टिंग सीरम को भी लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट ऐसे सिलिकॉन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं जो आपके जो बाल हैं जो शाफ्ट्स हैं उनको वो बेसिकली लॉक कर देते हैं, तो आपके बालों तक डैमेज उस तरह पहुँच नहीं पाता। ठीक है, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग सीरम या स्प्रे और उसके बाद भी आपके बाल ब्रिटल हो रहे हैं या ड्राई हो रहे हैं, दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू चेंज इट। ओके, ठीक है, अगर वो हो रहा हो, इस्तेमाल हो रहा हो या अच्छा है आपके बालों की हेल्थ के लिए, तो फिर उससे दोबारा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, हमारे यहाँ शैम्पूज ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है, हमें आइडिया नहीं है कि हमारे बालों के टेक्सचर पे कौन सा शैम्पू मास्क या आप जो हीट प्रोटेक्टिंग कह रही हैं सूट करता है और हम इस्तेमाल करे जाते हैं, मुख्तलिफ ओवर द काउंटर चीज़ें लेते हैं, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं, समटाइम्स आपको सूट नहीं कर रही होती है। हमें अपने बालों की हेल्थ को मेनटेन रखने के लिए क्या कैसे आइडिया करना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर, और सल्फेट फ्री जो शैम्पूज़ और कंडीशनर्स का कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से भी थोड़ा गाइड करें। यस, सल्फेट फ्री जो शैम्पूज़ हैं दे आर वेरी इफेक्टिव क्योंकि वो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होते हैं। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सल्फेट डाला होगा या जो कंडीशनर्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो बेसिकली आपके जो प्रॉब्लम है उसको दबा रहे हैं, ठीक है, उसको क्योर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आपको इनिशियली आपने कंडीशनर किया या कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल किया जिसमें सल्फेट है तो आपको बहुत एकदम बाल स्मूथ लगेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके अंदर से सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह जब हम रिबॉन्डिंग्स वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत डेंजरस चीज़ है जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, जो बेसिकली मुर्दों को प्रिजर्व करने के लिए लगाई जाती है, तो दैट इज़ रियली वेरी डेंजरस। वो आप ये देख लेना कि एक मुर्दे को लगाए जाने वाली चीज़ है वो आप लगा रहे हैं बालों पे, तो उसमें से भी जान ख़त्म कर रही है ना, ठीक है, सो राइट। हाँ, तो उसको मैं इतना बिल्कुल, मैं बहुत सख्ती से कहती हूँ कि रिबॉन्डिंग्स की तरफ आपने नहीं जाना, बट आई एम फेवर ऑफ लाइक कैरेटन जो है वो आप करवाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैरेटन जहाँ से करवा रहे हैं आपको ये उसी वक्त पता चल जाएगा कि अगर आपकी स्ट्रेटनिंग आई है तो इसका मतलब ये है कि आपको रिबॉन्डिंग की गई है, बेसिकली कैरेटन नहीं की गई, क्योंकि कैरेटन आपका बाल स्ट्रेट नहीं करती ना कर सकती है। ओके, और ये तो हम सैलून्स पे जाके देखते हैं बाल स्ट्रेट कर दें, वो कहते हैं हम कैरेटिन कर रहे हैं आपके बालों नहीं, में। नहीं नहीं, वो यही इंडिकेशन है क्योंकि कैरेटिन बेसिकली क्या है, वो आपके ऊपर जो बालों के है वो एक कोटिंग हो जाएगी कैरेटिन लेयर की, वो आपके बालों को कैसे सीधा कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, और उसको करना चाहिए भी नहीं। अगर उसने कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, ये एक बड़ी अच्छा। अच्छा जैसे आप बहुत सारी खवातीन को, कुछ को तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बालचर भी एक चीज़ है जो मैंने अब देखिए बहुत कॉमन हो रही है खवातीन में, एक स्पेसिफिक एरिया से बाल उड़ जाते हैं, कुछ कहते हैं जी ये ट्रीटेबल है, कुछ कहते हैं ये ट्रीटेबल नहीं है,
इसका ज़रा बताएं क्या? नहीं, एलोपेशिया वॉज ऑलवेज ट्रीटेबल, वो हमेशा से ट्रीटेबल था और अभी भी है, और उसका कोई इतना कोई मुश्किल भी ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं वहाँ लगाते हैं, एक से दो बार हमें लगाने पड़ते हैं और बाल आ जाते हैं दोबारा। ओके, और सेम उसी तरह से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त आते हैं मतलब उसमें। और आमतौर पर ये होता है कि अक्सर लोगों को सिर्फ एक ही दफ़ा इंजेक्ट करवाना पड़ता है, कुछ लोगों को दो से तीन सेशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली पूरे वापस आ जाते हैं। ओके, उसमें ओके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये क्यों होता है? अक्सर लोगों की इम्यूनिटी लो होने की वजह से ये हो जाता है, और यानी कि किसी वक्त भी आप किसी वजह से बीमार हुए, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई। एक तो इसको हम यही कहते हैं कि यूजली इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होती, लेकिन आमतौर पर या आपकी फैमिली में टेंडेंसी होती है या आपकी इम्यूनिटी लो होने पर होता है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो किसी डॉक्टर से किसी देसी टोटके के बारे में पूछना या बात करना बड़ा गलत है, बट स्टिल हम खवातीन, इवन मैंने अपने पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा देसी टोटकों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है दे आर वेरी इफेक्टिव। कुछ टोटके बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अंडा दही का इस्तेमाल है, इट्स वेरी गुड फॉर हेयर। आप जो घरों में लोग अमूमन देसी टोटके कर रहे होते हैं, आर दीज टोटकाज इफेक्टिव? मतलब मैं उन डॉक्टर्स में हूँ जो मानते हैं इस चीज़ को कि डेफिनेटली दे वर्क फॉर यू, क्योंकि उसमें देखें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल वो चीज़ें डेंजरस हैं। जो नेचुरल सोर्सेज होती हैं वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, ठीक है, सिवाय इसके कि जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं, और अक्सर लोग जो प्रॉब्लम होती है जैसे कैस्टर ऑयल्स के साथ, यस उसके साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है कि आपकी रीग्रोथ करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत देर के लिए उसको छोड़ देंगे स्कैल्प पे तो आपका हेयर फॉल भी कर सकता है। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि आपके जो स्कैल्प है उसको ऑयल 2 घंटे से ऊपर नहीं चाहिए होता। जो पूरी ओवरनाइट लगा के सुबह उठते हैं, अपना काम करके फिर शावर लेती है। उसमें दो प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक तो ये कि आपने क्लॉग कर दिए सारे पोर्स, ठीक है, अब आपने एक चीज़ बंद कर दी है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट ग्रीस लाइक या ऑयल लाइक एक लेयर जम गई है, ठीक है, वहाँ पे कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पे वो चीज़ें ठीक रहें। एक ये कि आपको पता है किसी भी सरफेस पे ऑयल लगा हो तो उस पर कितनी जल्दी डर्ट या कोई भी चीज़ है, वो पानी भी सही से सफाई नहीं करता, वो उसके ऊपर चिपक जाती है, ठीक है। तो आप जो अगर फर्स्ट 24 आवर्स के लिए भी आप छोड़ रहे हैं तो उसमें नुकसान ये कर रहे हैं कि जो जर्म्स इधर उधर से थे वो भी बड़े आराम से अटैच हो जाएंगे। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि ऑयलिंग करने से हमारी डैंड्रफ चली जाएगी, वो सिर्फ बैठ जाती है, वो जाती नहीं है, ऑयल से कभी भी डैंड्रफ नहीं जाती। 2 घंटे से ज़्यादा आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे में ऑयल अपना काम कर लेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद थी जी। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने बालों की हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ख्वातीन हो या मर्दों दोनों को अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए, और मैक्सिमम अवॉइड करें कि आप प्रोडक्ट्स का ओवर द काउंटर, उनको पढ़ें, उसको समझें और फिर इस्तेमाल करें। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।